हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है काइन मास्टर के बारे में, जिसमें वीडियो एडिटिंग की सारी ट्यूटोरियल आपको बताने वाला हूँ। जहाँ बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल खोल लिया है लेकिन उसे वीडियो एडिटिंग करने नहीं आती है, तो इस बारे में सारा चीज बताने वाला हूँ, कम्प्लीट प्रोसेस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको काइन मास्टर डाउनलोड कर लेना है, जो आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। काइन मास्टर ओपन करने के बाद यहाँ पे इस तरीके का एक ऑप्शन है, जहाँ पे क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो भी साइज रखना है वो साइज लेंगे, जैसे टिकटॉक का लेना है, इंस्टाग्राम का साइज लेना है, या फिर रील का साइज, या फिर यूट्यूब का साइज। तो हम यूट्यूब का साइज पर क्लिक करके क्रिएट पर क्लिक करेंगे। हमें जो वीडियो चाहिए वो हम यहाँ से ले लेंगे। वो हमें कैसे लेना है वो भी मैं बता देता हूँ। वहाँ पे आपको मीडिया का ऑप्शन है, उस पर जाकर के आप वीडियो को चूज कर लेंगे। वीडियो चूज करने के बाद सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ऊपर जो है मीडिया वाले वीडियो में कौन कौन से फीचर्स दिए गए। तो पहले में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वीडियो का मतलब वीडियो में जो भी आपकी आवाज़ है और जो आपकी 100% है वो आपको 200% यानी कि 100% एक्स्ट्रा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ से ऊपर कर देंगे तो आपकी आवाज़ जो है वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा नीचे आपको शो करेगा स्पीड का एक ऑप्शन है, इसमें आप इसमें वीडियो में कट वट भी लगा सकते हो आसानी से, जैसा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लेयर वाला भी एक ऑप्शन है, जिसमें आप लेयर भी ले सकते हैं, जितने चाहे जितना भी आपको वीडियो में लेयर लगाना है वो सारे लेयर पे ही क्लिक करके उतना लगा सकते हैं। एक एक के बाद एक, एक के बाद एक करके लेना होगा, जो भी आप लेना चाहते हैं वो आसानी से ले सकते हैं। और लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नीचे लेयर डालेंगे, जैसे लोगो हमने डाल दिया, ठीक है। उस तरीके से ही आपको सबसे पहले आपको मीडिया वाला का मीडिया वाले में कौन कौन से फीचर्स दिए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कट लगाना हो तो कैंची पे क्लिक करेंगे, स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, कट जाएगा जहाँ से हमें काटना है, जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है। अब इस कटे हुए पार्ट में हमें कौन से एनिमेशन डालना है, जैसे वीडियो जो अलग तरीके से शो करे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे इस तरीके से, तो वो एनिमेशन भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसी पे क्लिक करके अलग अलग आपको मिल जाएगा, जो भी मिलेगा वो आपको डेमो पहले ही दिखा देगा। डेमो का स्पीड यहाँ से आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इसे नॉर्मल रहने देते हैं, नॉर्मल रहने देंगे। उसके बाद मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ कि इसमें दूसरा कौन सा फीचर दिया गया है, ठीक है। इसे हम नो ही रहने देंगे। अगर हम इसी वीडियो को लेयर बनाना चाहेंगे तो वहां पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट का ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट एस लेयर का ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमारा लेयर रेडी हो चुका है, जिसे हम अपने अकॉर्डिंग वीडियो को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारा लेयर, जो दूसरा जिसमें जितना चाहे उतना जूम कर सकते हैं, या फिर इसे अपने अकॉर्डिंग स्प्लिट भी कर सकते हैं, जैसे स्लाइटिंग जो होता है स्लाइटिंग भी कर सकते हैं इस की वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। बीच में हम इस तरीके से डालेंगे तो यहाँ पे निशान बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम चाहें तो एक बता देता हूँ पहले, उसके बाद आपको इसमें मिल जाएगा एक स्पीड का एक ऑप्शन शो करेगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, ठीक है। अगर हमें इसमें का आवाज को निकालना है तो नीचे में जैसे कि देख पा रहे होंगे कि एक्स्ट्रैक जैसे दिया हुआ ऑडियो, उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑडियो जो है वीडियो से बाहर निकल चुका है, ठीक है। जो अभी हमने बोला वो भी बाहर निकल चुका है, लेकिन हमें वापस से अगर उसे सेट करना है या फिर चाहे इसे आवाज चेंज करना हो तो यहाँ से जैसे ही आवाज चेंज हो जाएगा, जो भी आपका आवाज रहेगा ओरिजिनल, यहाँ से नॉर्मल बाथरूम जहाँ कैथलिन या चर्च एरियाना जैसे अपनी आवाज अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जो भी आवाज जिस पर सेट हो सके, ठीक है। लेकिन हम इसे ऑडियो के यहाँ पे जाएंगे, इसे भी हम वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, यानी कि इस वॉल्यूम यहाँ होगा कि कहीं पे अगर हमारी आवाज़ ज़्यादा है तो उसे हम कम कर सकते हैं, या फिर कहीं पे ज़्यादा नहीं है फिर भी हम उसे कम करना चाहते हैं तो यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं या फिर बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन मिल गया, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है लेयर पे जाएंगे, लेयर से आपको जो भी फोटो वीडियो जो भी लेना है वो यहाँ से चॉइस कर लेंगे। आप लेयर क्या बता देता हूँ, लेयर में कौन कौन से फीचर्स है, जैसे इसमें हम ले लेंगे एक फोटो को, मैंने ले लिया, ठीक है। ये फोटो हो गया, जो हम चाहे तो स्लाइटिंग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक कीबोर्ड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना होगा हमें, जिस पोजीशन में हमें फोटो को रखना है उस पर रख देंगे, पहले सेट कर देंगे, उसके बाद हम कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे। लास्ट में ये फोटो जो है वो मैं लास्ट में जहाँ पे रखना चाहता हूँ वहाँ पर डालूंगा, ठीक है। इस तरीके से डालेंगे तो ये हमारा स्लाइटिंग ऑप्शन शो हो चुका है। अब जैसे वीडियो प्ले करेंगे तो वो हमने जो सेट किया है वो स्लाइटिंग ऑटोमेटिकली वो चलने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया कीबोर्ड का एक ऑप्शन, जो स्लाइटिंग आप देख सकते हो वीडियो को, इसमें सिर्फ फोटो ही नहीं बल्कि आप वीडियो को भी आसानी से स्लाइड कर सकते हो,
उसके बाद चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका डिलीट करके दूसरा ऑप्शन बता देता हूँ, ठीक है। इसमें आपको मैं एक और ऑप्शन बता देता हूँ, जैसे हमारा टेक्निकल वीडियोस है, वीडियोस बनाता हूँ जिसमें हमें डॉक्यूमेंट बहुत सारे सेंड करने पड़ते हैं, ठीक है, तो वो हमें वीडियो में नहीं शो करना, तो उसे क्या करेंगे, ब्लर करना होता है। जैसे ब्लर कर देंगे किसी को कुछ शो ना होगा, इससे आपको यहाँ पर एक इफेक्ट वाला ऑप्शन शो कर रहा था। इफेक्ट वाला ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर बेसिक इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, ये हमारा फेस जो है वो बेसिक हो जाएगा। इस पर क्लिक करके आप इसे छोटा या बड़ा अपने अकॉर्डिंग क्रॉप कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया। या फिर आप अलग से चाहें तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको ऊपर में देख पा रहे होंगे एक फेवरेट का ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद वहां पर इसे डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्टोर बना होगा ऊपर में, जो आपको कोने में शो कर रहा होगा। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन शो करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको डाउनलोड करना होगा इफेक्ट। इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए उस पर जैसे जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट वो दे रहा है, तो हमें करना कौन सा है, ब्लर वाला ऑप्शन को हमें क्लिक करके, जैसे मैं दिखा देता हूँ, ब्लर पे जाएंगे तो ये सारे चीज जो है ये ब्लर ही होने वाला इफेक्ट है, बस अब इसमें डिजाइन थोड़ा चेंज वगैरह हो जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, इंस्टॉलर जैसे दिख पा रहे हो गया है। अब मैं इसे बैक कर देता हूँ, बैक करके आपको दिखा देता हूँ, इसमें जितने चाहे आप कर सकते हैं। यहाँ पर आ चुका है, इस पर जाएंगे, उस पर आपको क्लिक करना, जो भी तीन ऑप्शन शो कर रहे हैं, पहला, यहाँ पर दूसरा भी शो करेगा, तीसरा जो है नीचे में शो कर रहा है, ठीक है, ये दूसरा हो गया जो इस तरीके से ब्लर हो जाएगा। पहला में तो आपने देखा ही बहुत छोटा था, ये ऑप्शन इसमें दिया गया, ठीक है। तो अब इसके बाद अगला ऑप्शन है, जैसे म्यूजिक लगाना, तो म्यूजिक लगाने के लिए यहाँ पे जितने भी आपके फोन में म्यूजिक है वो शो हो जाएगा, ठीक है। म्यूजिक लगाना साइड में ऑडियो का ऑप्शन है, उसी पर जाएंगे। अब हमें फिर से लेयर पे आप जाना है, यहाँ पे जो भी चाहे स्टिकर वगैरह जो भी वो लगा सकते हैं, स्टिकर का जो ऑप्शन इसके अंदर शो है, या फिर डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पर ऊपर फेवरेट का ऑप्शन है, ऊपर में स्टोर का ऑप्शन है, वो वाले स्टिकर को हम यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे हमने ब्लर वाले को किया था, उस तरीके से हम इसे भी यूज कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इसे मैं डिलीट करता हूँ, फिर लेयर पर जाएंगे। लेयर पर इसमें आपको टेक्स्ट का ऑप्शन है, जिसमें जैसे बहुत सारी वीडियो में हमें लिखना होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सब्सक्राइब नाउ, जो भी चाहें आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे वीडियो में लिख लेंगे, उसमें भी आपको लैंग्वेज जो होता है वो कौन सा, मतलब एकदम सीधा रखना है, नॉर्मल रखना है, या फिर ज़्यादा शो करना है, ठीक है, तो वो भी इसमें शो करेगा, ठीक है। जैसे ये हमारा ऐड हो चुका है, लेकिन अब इसे हम साइज जो है वो थोड़ा डिफरेंट करना चाहते हैं, तो फ्रंट वाला ऑप्शन है उस पर जाएंगे, यहाँ पर एंड्रॉयड का ऑप्शन है, उस पर शो करेगा बहुत सारा अलग अलग डिज़ाइन में, ठीक है, आपको जो रखना है वो रखेंगे। उसके बाद कलर पे क्लिक करेंगे, आप जो कलर रखना चाहें वो कलर रख सकते हैं, या फिर एनिमेशन इसमें भी डाल सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग हमारा किस तरीके से होना चाहिए, या फिर ये जो हमने टेक्स्ट डाला है वो किस तरीके से स्लाइड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन जो है वो आपको वही शो कराएगा, ठीक है। इसमें आपको दूसरा एक ऑप्शन है यहाँ पर, इसमें भी आप कटवर्ट कर सकते हैं कि टेक्स्ट हमें कहाँ से कहाँ तक रखना है, तो कैंची वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर जैसे हमारा लेफ्ट साइड का ज़्यादा है, लेफ्ट साइड को काटना है, या फिर राइट ज्यादा है तो राइट को काटना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे हेड रिंग का एक ऑप्शन है, जिसमें आपको मार्क लगाना होता है, जैसे हमने बहुत सारे वीडियो में इस तरीके से मार्क लगाते हैं, तो उस पर क्लिक करेंगे आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको बहुत सारा एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे नीचे आप देख पा रहे हैं, इसे मैं डिलीट करके पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। लेयर पर जाएंगे, नीचे उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद पेंसिल का एक आइकन है, ठीक है, पेंसिल पर क्लिक कर देंगे हम। इसे पेंसिल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीन चार ऑप्शन है, मतलब तीन चार से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है, देख पा रहा हूँ। यहाँ पे कौन सा रखना चाहते हैं, जैसे अलग अलग तरीके से गोल वाला को हमने सिलेक्ट किया तो ये इस तरीके से शो करेगा। इसे हम बैक कर देते हैं, फिर से लेयर पर जाएंगे, फिर से हम इसका साइज को चरकोनवा वाला ले लेते हैं, तो इस तरीके से हम निशान मार्क मतलब लगा सकते हैं। फिर इसमें और भी एंगल है जिसे हम चेंज करके दिखाते थे, ठीक है। फिर से लेयर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑन लेंगे ऑप्शन है, उस पर जाएंगे, यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से ये तीर का ऑप्शन जो है आइकन लगा सकते हैं। उसका फिर से लेयर पर जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे जितना ऑप्शन चाहे इसमें डबल, जैसे वीडियो में हमारे कभी कभी दोनों साइड दिखाना पड़ता है, दोनों साइड डाल सकते हैं, या फिर किसी को छुपाना हो किसी चीज़ को तो वो भी यहाँ से छुपा सकते हैं, ठीक है। फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना साइज ले लेंगे, जैसे ये हमारा जो था तो काफ़ी पतला था, ठीक है, इसे हम अपने अकॉर्डिंग मोटा बड़ा छोटा कर सकते हैं, या फिर इनका साइज जो है वो भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन इसमें और शो कर रहा है, जैसे मैं बता देता हूँ रिकॉर्डिंग का, वीडियो में जैसे कहीं पर आपकी आवाज़ नहीं है तो वो ऊपर से भी डबिंग कर सकते हैं, या फिर
उसे आसानी से, अगर आपको लिपसिंग आती है तो आप आसानी से डबिंग कर सकते हैं। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे और अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद मैं अगला ऑप्शन, अगला फीचर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगला फीचर इसके अंदर क्या है, ठीक है। अगला फीचर, जैसे मैं थंबनेल के लिए जो फोटो है वो मैं यहीं से लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे साइड पे, यहाँ पे देखेंगे कैप्चर एंड सेव, यानी फोटो में सेव हो जाएगा, या फिर लेयर चाहे तो ये भी यहीं से लगा सकते हैं, या क्लिप भी, क्लिप जो होता है वो एड्स क्लिप, वो भी हम यहीं से ले सकते हैं। फिलहाल हमें थंबनेल के लिए फोटो चाहिए तो उस पर हम क्लिक करेंगे, इतनी दूर से हमारा फोटो जो है वो सेव हो जाएगा गैलरी में, ठीक है। तो यहाँ से अपनी ऑडियो को थोड़ा बढ़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये अगला सेटिंग है, क्योंकि जैसे वॉल्यूम होता है तो इसमें अगर सेटिंग करते हैं कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इसमें अगला ऑप्शन मैं बता देता हूँ, मीडिया पे जाएंगे, मीडिया में कितने ऑप्शन है और किस किस चीज़ का ऑप्शन है, ठीक है। पहला तो मैंने बता दिया था कि ऑडियो का आप साइज बढ़ा सकते हैं, आवाज़ वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, दूसरा स्पीड यानी कि फास्ट, या वीडियो में देखा होगा आपने शॉर्ट वीडियो में स्लो मोशन फास्ट मोशन, तो वो भी यहाँ से, जैसे हमें फास्ट करना है तो अंदर की तरफ क्लिक करेंगे, स्लो करना है तो इसे हम राइट साइड में क्लिक स्किप करेंगे, इसे हम ओके कर देते हैं। यहाँ पे 2XL स्पीड रखना है, 4XL रखना है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद म्यूट ऑडियो का ऑप्शन है, कीप पिच का ऑप्शन है, इसे अपने अकॉर्डिंग स्लो या फास्ट जो होता है वो कर सकते हैं। अगला ऑप्शन इसके अंदर है रिवर्स का, जैसे आपने बहुत सारी वीडियो में रिवर्स देखा होगा, यानी जो काम हम पहले करते हैं वो उसे लास्ट में शो करेगा, यहाँ पर रिवर्स का एक ऑप्शन है, रिवर्स पर क्लिक कीजिएगा, रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद नीचे पैन एंड जूम का, यानी क्या आप इसे चाहें तो जूम भी कर सकते हैं, जैसे मैं जूम करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम करेंगे, इस पर हम क्लिक कर दें। अब यहाँ पर वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो भी हमने जो जूम किया है वीडियो को वो किस तरीके से प्ले होता है, जैसे देख पा रहा है। यहाँ पर हमने जूम पहले वाले को जहाँ से रखना है वो उतना जूम कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता रहेगा बैक साइड में, ठीक है। अगर हमें वो रिवर्स करना है तो रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि नीचे वाले को पहले छोटा फिर बड़ा हो जाना चाहिए धीरे धीरे, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा साइज, ठीक है, हम इसे सेट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, मतलब करना चाहें तो, अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, यहाँ पे आप वीडियो का रोटेट चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो साइड हमारे लेफ्ट में है वो राइट हम कर सकते हैं, जो राइट में है वो लेफ्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं, मिरर मिररिंग होता है वो, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद इसमें एक अगला ऑप्शन और है, नीचे आप देख पा रहे होंगे कि फिल्टर का, यानी कि हमें वीडियो में जो हमारी कलर है वीडियो का वो प्रॉपर नहीं है, अगर आप इसे यहाँ से फिल्टर डाल सकते हैं और वीडियो के अंदर कलर करेक्शन कर सकते हैं, जो भी रखना चाहें। एडजस्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से कलर को, या हमें कौन से कलर को कैसे डार्क करना है, लाइट करना है, और जो भी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं वीडियो का। इसके अंदर एक और फीचर दिया गया है, नीचे आप देख पाएंगे क्लिप जीनियस, ठीक है, उस पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये लगा सकते हैं क्लिप, ये भी क्लिप ही है समझो, इसमें भी आपको वो टेक्स्ट ऐड करना होगा जो भी आप डालते हैं, ठीक है। वो यहाँ से अलग अलग प्रकार में मिल जाएगा, यहाँ पे कम से कम 8-9-10 तरीके का यहाँ पे शो कर रहा है, अगर चाहें तो स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद AI स्टाइल, यहाँ पे AI का स्टाइल्स भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कि आप कौन से वैसे अपने फेस को कार्टून बनाना चाहते हैं, या फिर जो भी इसमें इतने सारे इफेक्ट हैं वो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और अपने वीडियो में लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्शन, जैसे डाउनलोड करेंगे तो वो इंस्टॉलेड ही लिखा आएगा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे जाएंगे कार्टून पे क्लिक करेंगे, कौन सा वाला चाहिए, लाइट हाइट या लो, तो वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल हम इसे नहीं ले रहे हैं, इसे हटा देते हैं, ठीक है, कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये हमें थोड़ा डाउनलोड होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा टाइम बेकार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन शो कर रहा है वो सुपर रेजुलेशन का, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इसे भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसे भी हम अप्लाई करके दिखा देते हैं, जैसे हम इसे अप्लाई करेंगे इसे ओके करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके का एक ऑप्शन शो करेगा जिसमें आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसे अप्लाई करके लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे जहाँ तक रखना है, उसके बाद नीचे आप देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड का, अगर आप बैकग्राउंड में कलर वगैरह भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे इस तरीके से बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बॉर्डर भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर में जो कलर चाहिए वो कलर चुन लेंगे, जो भी चाहिए कलर पे क्लिक करके, जैसे रेड व्हाइट ब्लैक जो भी चाहिए। उसके साथ ही एक ऑप्शन और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बैक कर लेते हैं, बैक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है
विगनेट का, विगनेट हम इससे हम ओपन नहीं करेंगे। विगनेट में आप ये देख पा रहे हैं नीचे वॉल्यूम का ऑप्शन है, वॉल्यूम को एक्सपर्ट कर सकते हैं जैसे कम या ज़्यादा आपने पढ़े। नीचे ईओ का ऑप्शन भी है जिसमें आप ईक्यू का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी बहुत सारा ऐप को ऑडियो मिल जाएगा, नहीं आपके ऑडियो बेस जो है यहाँ से भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके साथ ही एक नीचे ऑप्शन है वाइब्रेट का, जिसमें आप अपना यहाँ से भी आप अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं। दूसरा है नीचे देख पाएंगे तो यहाँ से आप जो भी जितनी क्वालिटी में आपको अपलोड करनी है, डाउनलोड करना है, जैसे इससे हम एक्सपर्ट करते हैं, ठीक है, जितनी क्वालिटी चाहिए तो क्वालिटी पे क्लिक कर सकते हैं। इसे हम बैक कर देते हैं। अब अगला प्रोसेस जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें अगला प्रोसेस है नीचे आप देख पाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो इसका आप लेयर लगा सकते हैं। आप लेयर में कौन कौन से ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेयर में पहला ऑप्शन है ये ब्लेंडिंग है, यानी कि आप इसमें अपने अकॉर्डिंग एनिमेशन जो होता है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेगा एनिमेशन का, ठीक है। तीन ऑप्शन के बाद नीचे आपको स्पीकर का एक ऑप्शन है यानी मिक्स का, इसमें भी आपको बहुत सारे एनिमेशन मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आप देख पा रहे हैं मिक्सर का ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ से आप इसमें आवाज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके नीचे एक स्पीड का ऑप्शन है यानी कि आप इसे फास्ट या स्लो मोशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी फास्ट भी कर सकते हैं स्लो भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर आ जाएगा एक्सप्लिट का ऑप्शन जिसमें आपको कट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रॉपिंग का ऑप्शन है जिसमें आप इसे क्रॉप कर सकते हैं, यानी कि वीडियो को जैसे हमें छोटा करना है तो क्रॉप पर क्लिक करेंगे, जहाँ से हमें कट करना है उतनी दूर का हम इसे कट कर सकते हैं, यानी कि ग्रीन स्क्रीन का जो शूट होता है डबल वीडियो, डबल रोल की वीडियो दो तरीके से होती है, ग्रीन स्क्रीन से और बिना ग्रीन स्क्रीन से। बिना ग्रीन स्क्रीन से इसी तरीके से क्रॉप करके बनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म का, जिसमें आप इसको अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको मिल जाएगा फिल्टर का एक ऑप्शन है, यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन है जिससे आप इसे चाहें तो ब्लेंडिंग कम कर सकते हैं, यानी कि कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग। नीचे आपको मल्टीप्लेक्स बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, कलर का वो हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही एक अगला ऑप्शन वो भी मैं आपको बता देता हूँ, साथ में ही इसके एक और ऑप्शन दिया गया जैसे कलर में कलर करेक्शन भी कर सकते हैं। कलर करेक्शन इसमें बहुत सारे लगभग जितने कलर है ना वो सारे इसमें मिल जाएंगे, नॉर्मल रखने से बैक कर देते हैं। दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ AI स्टाइल, ठीक है, AI स्टाइल भी है, इसमें क्रॉपिंग का ऑप्शन भी क्रोमा की का, यानी कि अगर आप ग्रीन स्क्रीन में शूट करते हैं वीडियो को तो बैकग्राउंड जो है वो आसानी से चेंज हो जाएगा। जैसे एक कलर का मेरा टी शर्ट था वो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि रिमूव हो चुका है। इसी तरीके से क्रोमा की यानी ग्रीन स्क्रीन वीडियो का एडिटिंग किया जाता है बैकग्राउंड चेंज करके, ठीक है। तो ये हो गया क्रोमा की का ऑप्शन, ठीक है। उसके नीचे आपको मैजिक रिवॉल्वर मिल जाएगा, उसके नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। इसका अगला ऑप्शन है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैसे चेक कर लेता हूँ मैं, अगर अगर ये छोटा लग रहा है तो आप इस पर क्लिक करके आप इसे बड़ा कर देंगे। जैसे हम इसे बैक कर देता हूँ पूरा प्रोसेस, अगर जैसे हमें थोड़ा सा कभी एक सेकंड काटना होता है लेकिन छोटा होने के कारण दो सेकंड कट जाता है, तो इसे हम थोड़ा प्रेस करेंगे इस तरीके से और इसे हम जितना चाहें बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से तो आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेव यूज वीडियो पे, आपकी वीडियो गैलरी में सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। इस तरीके से एडिटिंग कर सकते हो। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, दोस्तों के साथ शेयर भी करें।